हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 32, जो कि आपके 16th ऑफ सितंबर की वर्कशीट है, मतलब वेडनेसडे की ये वर्कशीट है। तो वर्कशीट कैसे शुरू करनी है? सबसे पहले वर्कशीट का नंबर डालेंगे, उसके बाद डेट डालेंगे, फिर साइंस सब्जेक्ट की है ये, आपको स्टूडेंट नेम ज़रूर लिखना है, राइट? चलिए, वर्कशीट है धातु और अधातु पे। धातु मतलब मेटल और अधातु मतलब नॉन मेटल्स। चलिए, धातु, धातु का नाम याद आते ही हमें क्या याद आता है बेटा? हमें याद आती है कॉपर, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, यही याद आता है हम सबको, राइट? तो धातु क्या होते हैं, कुछ उदाहरण, जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, कॉपर है। अधातु में क्या याद आता है? जिसमें चमक नहीं होती, जैसे सारी गैसेस और सल्फर लिखा हुआ है ना, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, सल्फर गैस नहीं है, सल्फर पाउडर है। आपने अपनी लैब में भी देखा होगा, आपके टीचर्स ने दिखाया होगा, है ना, और ऑक्सीजन भी गैस है। चलिए, अब इन्हीं को हम एक बार, वैसे तो हमने छोटी क्लास में कर लिया है ये, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस करके देखते हैं जरा, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ भौतिक गुण के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर इनको डिस्टिंग्विश करके, अंतर करके देखते हैं। पहला गुणधर्म इस साइड कॉलम बना लेते हैं, ठीक है? किस गुण के आधार पे हम बता रहे हैं? तो पहला गुण है इसका धात्विक चमक। धातु के अंदर चमक होती है, जबकि अधातु चमकीले नहीं होते हैं। सिर्फ एक इसके अंदर अपवाद है, वो अधातु होते हुए भी चमकीला है, वो है आयोडीन, इसीलिए इसको बोलते हैं अपवाद, राइट? अगला देखिए, अगला गुण हम ले रहे हैं कठोरता। बताइए किसका कौन कठोर ज्यादा होगा? धातु कठोर ज्यादा होंगे, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं, इसको याद कर लो बिल्कुल, अगली वर्कशीट में यही पूछा जाएगा। जैसे पुरानी वर्कशीट आपकी बायोलॉजी की थी, ये वर्कशीट आपकी केमिस्ट्री की है, राइट? चलिए, इसके अंदर सारी धातु कठोर होती है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं, इन्हें आराम से चाकू से काट लेते हैं बेटा, साबुन जैसे होते हैं बिल्कुल। अच्छा, अधातु कैसे होते हैं? ये कठोर नहीं होते हैं, सिर्फ एक इसमें अपवाद है, वो कठोर है, वो है कार्बन। कार्बन कठोर होता है, कोयला आपने देखा है आराम से, वो कठोर है, कठोर दिखता है ना, चलिए उसको भी आप हथौड़े से तोड़ सकते हैं, और सारे सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल। चलिए, अब अगला गुण हम देख रहे हैं, नंबर 3 पर आता है रूप। धातु एक कमरे के ताप पर ठोस रूप में ही पाई जाती है, लेकिन एक है सिर्फ एक धातु जो कि कमरे के ताप पर द्रव है, और वो है मरकरी। इसको याद रखना, क्वेश्चन आएगा भी। कमरे के ताप पर कौन सी धातु है जो बहती है, बिल्कुल लिक्विड है, द्रव है, वो है मरकरी। अब आ जाओ अधातु के अंदर। अधातु जो है वो ठोस भी हो सकते हैं, गैस रूप में हो सकते हैं, तरल रूप में सिर्फ एक ही है, और वो है ब्रोमी, राइट? चलिए, अघात वर्ध्यता वो है, वो गुण होता है जिसके द्वारा किसी मैटर को, किसी तत्व को पीट पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सके। तो कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जो जो उदाहरण हमने ऊपर दिए थे, आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, है ना, कॉपर, ये सब पीट पीट के इनको हम किस में चादर के रूप में बदल सकते हैं, यही गुण होता है अघात वर्ध्यता। ये गुण धातुओं में तो होता है, लेकिन अधातुओं में गुण नहीं होता है। मान लिया कोयला जो है ठोस है, लेकिन उसको भी आप तोड़ तोड़ के चादर नहीं बना सकते उसकी। अगला गुण आता है तन्यता। तन्यता मतलब होता है तार खींचना। तो धातुओं की पतली तार खींच सकते हैं, बहुत पतली से पतली तार बना सकते हो, बिल्कुल पतली, जबकि अधातुओं में ये गुण नहीं होता है। ना आयोडीन को खींच सकते हो, ना हीरे को, है ना, ना ही ब्रोमीन को। चलिए, विद्युत का और ऊष्मा का चालक। जो धातुएं होती है वो दोनों चीज की चालक है, मतलब विद्युत की भी और ऊष्मा की भी। ऊष्मा की कैसे? गर्म हो जाती है, लोहे का चिमटा गर्म हो जाता है आराम से। और विद्युत भी, विद्युत की चालक तो आपको सबको पता है कि लोहे की चीज को अगर हम करंट के पास लेके आए या करंट उस पर लगा दे तो हमें करंट लग जाएगा हाथ लगाते ही,
है ना। इसीलिए फ्रिज के पास अगर करंट आ रहा होता है, नीचे मैट बिछा लेते हैं, फ्रिज की बॉडी लोहे की होती है। चलिए, अधातु अधातु विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती है। एक ही इसके अंदर अपवाद है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत की भी सुचालक है और ऊष्मा की भी सुचालक है, मतलब वो गर्म भी हो जाती है और उसके अंदर से करंट भी निकल जाता है। जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं बेटा, जिसके अंदर हमें करंट पास करना होता है, हम ग्रेफाइट का ही यूज करते हैं। घनत्व की बात करें तो सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है धातुओं का, मतलब उनका घनत्व भी अधिक है और गलाएंगे तो उच्च गलनांक पे गलेंगी। लेकिन सिर्फ दो अपवाद हैं इसमें, वो है सोडियम और पोटेशियम, वो बहुत कम ही गर्मी देते ही गल जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब अधातुओं में इनका कम होता है, गलनांक भी कम है और इनका घनत्व भी कम है, मतलब इनका भार भी कम होता है। घनत्व किसका है ज्यादा है? धातुओं का। अब आते हैं ध्वनिक। ध्वनिक मतलब ध्वनि पैदा करने वाले, आवाज आने वाले, जिसको सोनरस बोलते हैं। तो धातुएं जो है वो कठोर सतह से टकराकर आवाज करती हैं, करती हैं, करके देख लो, कोई भी लोहे का सामान तो घर में होगा, स्टील होगा, चांदी होगा, तांबा होगा, सोना होगा, कुछ भी होगा, वो अगर गिरेगा या उसे किसी चीज पर जोर से मारोगे, आवाज होगी, टन। जबकि अधातु जो होते हैं उसमें ध्वनिक नहीं होती, उनमें कोई आवाज नहीं आती। कोयले को मार के देख लो, कोई आवाज नहीं, टन की आवाज नहीं आती। ग्लास पे भी करोगे तो टन, स्लैब पे से ग्लास भी नीचे गिर जाते तब भी आवाज आती है, टन आती है ना, वही आपकी ध्वनि, मतलब सोनरस का गुण। ये थे भौतिक गुण। अब हम बात करेंगे किसकी? रासायनिक गुण की। ठीक है, हमने ये कहा था धातुएं, अभी भौतिक गुण में हमने कहा था धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। इसका एक आपकी एक्टिविटी प्रैक्टिकल जो स्कूल में कराया जाएगा वो देख लीजिए। बैटरी को कनेक्ट कर देंगे, बल्ब लगा देंगे और क्लिप लगा के दो छोड़ देंगे, साथ में ये की तो लगाई हमने। यहाँ पर हम धातु लगा लगा के अलग अलग चेक करेंगे। ठीक है, धातु की स्ट्रिप्स पट्टियां हम इसमें चेक करेंगे कि विद्युत जा रही है या नहीं। अगर विद्युत जा रही है तो ये विद्युत का सुचालक है। अब ये कैसे पता लगेगा इसमें से विद्युत जा रही है नहीं? अगर बल्ब जल जाएगा तो इसका मतलब ये विद्युत के सुचालक है। तो एक बार आयरन लगा के देखेंगे, एक बार एल्यूमिनियम, है ना, कॉपर लगा के देखेंगे। चलिए, अब आगे आता है किसके बारे में? रासायनिक गुण के बारे में बात करते हैं। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले, मतलब रसायन के हिसाब से अगर हम देखें किसी रसायन में क्या बदलाव आया है, मतलब अगर धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करे तो क्या होगा? तो ये बनाएगी धातु ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? धातु ऑक्साइड। मतलब अगर कॉपर होगा तो वो बन गया कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम होगा तो वो बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियरली दिख रहा है सबको? तो धातु अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड बनेगा। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। सोडियम और पोटेशियम वायु में एकदम से जल जाता है, पटाखे की तरह, पानी में डाला आग लग जाती है एकदम से, जिसे रोकने के लिए इन्हें कैरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। इसको याद कर लीजिए, क्या सोडियम और पोटेशियम वायु में एकदम से आग पकड़ लेता है, जिसे रोकने के लिए इन्हें कैरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। जबकि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन तत्वों पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, राइट। अगला है आयरन। आयरन जो है वो वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लोह चून डालने पर वह तेजी से जलने लग जाता है। कौन है ये? आयरन। ठीक है, गर्म किया वायु में नहीं जलेगा, लोहे का चिमटा कोई जल जाता है, लोहे का तवा कोई आग पकड़ लेता है? नहीं पकड़ता। लेकिन ज्वाला में अगर हम लोहे के चूर्ण को डालेंगे तब वो आग पकड़ेगा, मतलब आग लगी हुई है उसमें लोहे का पाउडर डाल दो थोड़ा सा, तब वो आग जल जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं जलता वो। चलिए, कॉपर। कॉपर भी ऐसे नहीं जलता, लेकिन उस पर क्या आ जाती है? काले रंग का परऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक,
अच्छा, किस पे और पहले ऑक्साइड की परत चढ़ी थी? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड पर। ठीक है, एल्युमिनियम के घर पे बर्तन है। बर्तनों पे देखो, अगर आप यूज नहीं करते हो तो ऑक्साइड की ग्रे कलर की परत उस पे चढ़ जाती है। ऐसे ही कॉपर पर भी काले रंग की परत चढ़ जाती है। चांदी भी जल्दी से अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन उस पे भी ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो हमें दो रिएक्शन इसकी याद करनी है, Cu+O2, CuO, दो लगा देंगे उसके आगे, बैलेंस कर देंगे इसको संतुलित। ऐसे ही एल्यूमिनियम प्लस ऑक्साइड ऑक्सीजन, तो बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इतना आ गया समझ? अच्छा, अब करेंगे जल के साथ अभिक्रिया। ये जो आपको दिखाया हुआ है चित्र, दिखाई दे रहा है सबको? क्या है इस चित्र में बेटा? बेटा ये देखो, चित्र के अंदर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, उसको ऐसे लिटा रखा है और यहाँ पर जल से भीगा कांच का तंतु हमने यूज किया है। ठीक है, अच्छा यहाँ कोई धातु रखी है और ये आपकी टेस्ट ट्यूब नहीं है, ये क्वथन नली है, मतलब बॉइलिंग ट्यूब है जो कि गर्म करने से फटेगी नहीं। चलिए ये बर्नर है। अब सोचो, यहाँ पे जैसे ही हम गर्म करेंगे, ये जो कांच के तंतु हैं ये गीले हैं जल से, तो गर्म करने से इनमें क्या बन जाएगी? भाप। और यहाँ जो धातु रखी है, इसका मतलब वो अभिक्रिया करेगी इस भाप से। आ रही है बात समझ सबको? चलिए अब पढ़े इसके बारे में, ये क्या है, इसका मतलब भाप बनेगी और किससे अभिक्रिया करेगी? इस धातु से। और उसके बाद कुछ ना कुछ गैस बन रही होगी, जो गैस धीरे धीरे इस निकास नली से यहाँ बीकर में आ रही है। ठीक, और उसके बाद बीकर से ये पानी ऊपर चढ़ रहा है और यहाँ पर गैस जो इकट्ठी हो रही है वो है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसका मतलब कोई भी धातु यदि जल से अभिक्रिया कर रही है, जल का ये रूप है स्टीम, वाष्प, उससे अभिक्रिया कर रही है, तब क्या बना रही है बेटा? हाइड्रोजन गैस। चलिए इसी के बारे में अब हम पढ़ लेते हैं। जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है हमेशा। अगर धातु ऑक्साइड होगा, उसको फिर दोबारा से जल के साथ अभिक्रिया करा देंगे, तो वहां पर धातु हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, जैसे नीचे दिया हुआ है, देखो सोडियम अगर जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो वो बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na+2H2O बन रहा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में निकल रही है हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा। ऐसे ही मैग्नीशियम अगर किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? जल के साथ, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और साथ में निकल रही है हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम अगर जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है और साथ में निकल रही है हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करें। कुछ धातुएं ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, कुछ गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, कुछ भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, और कुछ ही धातुएं हैं जो जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं कर रही हैं। वो धातु है जैसे लेड, कॉपर, सोना, चांदी। भाप के साथ अभिक्रिया करने वाली है, घर में आपके पास एल्यूमिनियम है, आयरन है, चीजें देख सकते हो आराम से, जिंक। जिंक जरूरी नहीं है घर में बना हुआ हो, किसी कोई बर्तन इसका एल्यूमिनियम और आयरन का बना हुआ होगा, ये भाप के साथ अभिक्रिया करेगी। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कर जाता है सोडियम, सबसे अभिक्रियाशील, पोटेशियम सबसे अभिक्रियाशील, कैल्शियम भी बहुत अभिक्रियाशील है। ठीक है, ये ठंडे जल के साथ ही अभिक्रिया कर जाता है। गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने वाली है मैग्नीशियम, और नॉर्मल जल के साथ अभिक्रिया करने वाले हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम। जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लग जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हमारे उदाहरण हो गए, अब चलो करते हैं अभ्यास। अभ्यास से पहले एक चीज रह गई बेटा आपकी, वो है उभयधर्मी ऑक्साइड।
उभय धर्मी मतलब होता है दो काम करने वाले। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों में से अभिक्रिया करते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड है जो अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं और क्षारक से भी। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, है ना। वे धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार वाले चैप्टर में हमने किया था। अम्ल और क्षार से दोनों से अभिक्रिया करने वाले धातु ऑक्साइड को हम कहते हैं उभय धर्मी ऑक्साइड, जैसे कि जिंक और एल्यूमिनियम। सेम रिएक्शन हमने उसमें याद की थी, जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी उभयधर्मी है। उदाहरण के रूप में एल्यूमिनियम का दिखाया हुआ है, एक रिएक्शन उसकी दिखाई हुई है, एक अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, और दूसरी अभिक्रिया दिखा रखी है एक क्षार के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर भी वो लवण बना रहा है और जल बना रहा है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर भी वो लवण और जल बना रहा है। वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। चलो इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। बिल्कुल अभी क्या था, मरकरी। वेरी गुड। अगला, अगात वर्धीय तथा तन्ने का अर्थ बताइए। दोनों का अर्थ यहाँ आपको वर्कशीट में दिया हुआ है, मतलब सारे आंसर वर्कशीट में ही है। थोड़ा सा ध्यान देना है और सब मिल जाएगा। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इस गुण को अघात वर्धीयता कहते हैं। तन्यता धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है, इस गुण को तन्यता कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अघात वर्धीयता धातुओं में होती है, अधातुओं में नहीं होती है। ऐसे ही तन्यता भी धातुओं में होती है, अधातुओं में नहीं होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। सोडियम और पोटेशियम को तेल के अंदर क्यों रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील है। अगर उन्हें वायु में खाली छोड़ दिया जाता है तो वो आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है, जिससे इनका संपर्क वायु से हो ही ना। अगला क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी मतलब ऐसे ऑक्साइड, ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल से भी अभिक्रिया करे और क्षार से भी अभिक्रिया करे और लवण तथा जल उत्पन्न करें, जैसे कि जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसमें ये उदाहरण जरूर देना। उभयधर्मी ऑक्साइड का क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर का भी था, सेकंड चैप्टर का था, और धातु और अधातु का भी है। इसलिए ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आएगा। दो उदाहरण दीजिए, दोनों में दो उदाहरण आपका जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका उदाहरण है। राइट, आसान थी वर्कशीट, फिर भी अगर बच्चों को कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।